आपको 5 आउट करने ही पड़ेंगे अगर आपने टीम में रहना है, तो इसलिए जो है वो। बट इंजरीज भी थी ना आपके साथ? शुभी इंजरीज 2020 में थी, देन आई गुड बैक और मैं डोमेस्टिक में। क्या इंजरीज हुई आपको? मुझे मल्टीपल इंजरीज थी, मेरी जो L4 L5 डिस्क थी वो स्लिप हुई, सो मैं उसको रिकवर करते करते उसके बाद मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर आ गया रिब्स पे, 6 right 7 8 लेफ्ट साइड पे। अच्छा। और फिर उसको रिकवर कर करते फिर मेरा जो है वो डिस्लिप होगी अगेन दोबारा, तो वो 16 months जो है। तो ये आपके ऑपरेशन हुए हैं, क्या हुआ आपका? नहीं शुभ भाई, ऑपरेशन नहीं हुए। जब मेरी इंजरी हुई थी तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोई सर्जरी नहीं करवाऊंगा, और मैंने बहुत सारे सीनियर्स लोगों से भी बात की, तो मुझे यही उन्होंने मशवरा दिया कि आपने सर्जरी नहीं करवानी, तो मैंने वही जो आता है रिहैब वगैरह। और अभी क्या पोजीशन है आपकी? अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ, इंजरी का मसला था LPL में, लेकिन वो भी आपके सामने है। तो कैसा फील कर रहे हैं? आपकी पेस में कमी तो नहीं आई? कोई आपको कोई नुकसान तो नहीं लगा कि यार मुझे शायद थोड़ा सा मेरी पेस या शोल्डर पेस में, रनअप पेस में, या मेरी शायद मेरी वो फिजिक शायद वो ऐसे बैल जैसी नहीं रही? शुभ जी, जब आप ज्यादा लंबे अरसे क्रिकेट खेलते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे आपका मसल जो है वो लूज हो जाता है, और आपकी बॉडी फटीग जो आ जाती है, और आपको फील नहीं होता, आपको ऐसे लगता है जैसे आप उसी तरह भाग रहे हैं या उसी तरह बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे फील होता है कि आपकी फटीग। जब ऐसे आप रेस्ट करते हैं 1 month का, 4 weeks 6 weeks अपने आप को रीगेन करते हैं, तो अभी मैं तो आपकी सामने बहुत अच्छी हालत में बैठा हूँ, मेरा मसल थोड़ा वापस आया है, क्योंकि श्रीलंका में थे 2 months के लिए, वहाँ पे बहुत स्वेट होता है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से जो है वो मेरा मसल थोड़ा लूज हुआ, लेकिन फिर इंजरी हुई, और लेकिन मैंने जिम में जो अपना वर्क किया है, और अभी जो है वो कितना टफ होता है एक एथलीट के लिए जब वो इंजर्ड होता है, जो स्पेशली फास्ट बॉलर वो इंजर्ड हो जाता है, उसके लिए कितना टफ होता है, अकेला भी हो जाता है ना? इट वाज रियली टफ फॉर मी भाई, 2020 में जब मुझे इंजरीज आई बार बार, मल्टीपल इंजरीज आ रही है, मुझे रिकवर कर रहा हूँ, फिर वापस इंजरी हो रही है, रिकवर कर रहा हूँ फिर, तो दैट वाज टफ टाइम फॉर मी, लेकिन ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछेंगे तो मैंने वो भी इंजॉय किया। यस, इन द बिगिनिंग आपको लगता है कि दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, और यू नो कि अभी खत्म हो गया, पता नहीं क्या होगा, फिर सडनली आपको एक कॉल आती है कि आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो यू फील बैड, यू नो कि आप जो एकदम से सडनली आप पे जो टाइम आता, बट मैंने इंजॉय किया, और मैंने अपने आप को इस तरह डेवलप कर लिया है, मेरी जो पर्सनैलिटी है कि मैं इंजॉय करता हूँ हर मोमेंट को। आसान ये है कि फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ स्पिरिट है, और ये घबराते जाते नहीं है, अगर कोई मसला हो जाए तो म्यूजिक लगाया, डांस किया, अपना गुस्सा परे पूरे दे मारा, और अगर हम एक ब्रेक लेना चाहें तो ब्रेक से पहले यार अगर म्यूजिक के लग जाए तो क्या नुकसान है यार, क्या है यार, अगर ऐसा नहीं लिया हमें डांस करते हुए हमें ब्रेक पे ले जाए तो क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, म्यूजिक ऑन किया जाए। चांदी वर्गे दंग चमकले मर जावा गुड़ खाके।